Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टैग के एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल देखा है, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज़िरोधा काइट के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इक्विटी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम ज़िरोधा के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही यूज़फुल टूल है दोस्तों, ये आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस से बचाता है और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है। यानी दोनों तरह से ये आपके लिए कारगर होता है, लॉस को कम करके प्रॉफिट को ये बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अच्छे से समझना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ज़िरोधा के अंदर अपना लॉगिन कर लिया है। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आखिर हम यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ज़्यादा क्लैरिटी से, उसके बाद लाइव करके भी हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई स्टॉक जो है 100 रुपये में उसको बाई किया। ठीक है, 100 रुपये में बाई किया और आपने क्या किया, 95 रुपीज़ से उसका स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज़ पे। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, एक अलग से ऑप्शन देते हैं ज़्यादातर एप्लीकेशन वाले, जैसे एंजल वन हो गया, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक डेडिकेटेड ऑप्शन देता है। लेकिन अब स्टॉक यहाँ ज़िरोधा के अंदर की ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसको मैन्युअली कर सकते हैं, आगे वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, उसमें आपको पॉइंट डालने होते हैं। ठीक है, जैसे 100 रुपये में आपने खरीद लिया, 95 रुपये में आपने यानी 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है TS के, मतलब मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दर्शा रहा हूँ, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जैसे आपने मान लीजिए 2 रुपये डाल दिया। ठीक है, 2 रुपये का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। ठीक है, तो आपने 100 रुपये पे जब इसको बाई किया, अब अगर मार्केट देखिए हमारा बढ़ते बढ़ते 102 रुपये पे चला जाए, ठीक है, 102 रुपये पे आपका चला जाए, आपने 95 रुपये का जो स्टॉप लॉस लगाया था वो आप खसक के क्या हो जाएगा, 97 पे आ जाएगा। वो 97 यानी 2 रुपये का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, जो 95 रुपये पे था, 5 रुपये नीचे था, अब भी वो 5 रुपये नीचे ही रहेगा। ठीक है, आपका 97 रुपये पे स्टॉप लॉस लग जाएगा और अभी मार्केट आपका चल गया है 102 पे। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा और आपको क्लियरिटी समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे। तो जैसा कि आपने देखा कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 रुपये का लगाया, स्टॉप लॉस 95 का लगाया था, जैसे ही मार्केट हमारा 100 रुपये के 2 रुपये ऊपर गया, वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस खिसक के 97 पे आ गया। इसी तरह से हमारा मार्केट अगर 104 पे चला जाए, तो 97 रुपये जो है ये फिर से खिसक के 2 रुपये ऊपर चला जाएगा, यानी 99 रुपये पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर भी हमारा 5 रुपये का जो स्टॉप लॉस का गैप है लाइव प्राइस से, वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये मार्केट फिर से रिवर्स गिरने लगे, 104 पे 3 पे आए, 2 पे आए, 1 पे आए, तो स्टॉप लॉस भी हमारा 2-2 रुपये करके नीचे होता रहे। अब ये स्टॉप लॉस वापस नीचे नहीं होने वाला, एक बार जो स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल हो गया वो उतने पे ही रुका रहेगा। अब अगर मार्केट गिरते गिरते 99 पे आ गया, तो 99 पे ही ये सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस 95 पे था, जो आपको लॉस हो रहा था यहाँ पे 104 से सीधे नीचे आता 95 पे, तो आपको कितना लॉस हो सकता था। लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 99 पे चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी इस तरह से कम हो गया। तो स्टॉप लॉस एक तरह से आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, स्टॉप लॉस भी हमारा ट्रेल करता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छे से समझ में आया, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो। तो देखिए, ज़िरोधा में तो इसका प्रॉपर फीचर नहीं दिया गया, लेकिन हम इसको मैन्युअली अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। एक जैसे कोई एक स्टॉक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, IRFC, अभी बहुत काफ़ी हॉट स्टॉक चल रहा है हमारा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो IRFC मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे NSE का IRFC सेलेक्ट कर लिया, इसको बाई पे क्लिक करते हैं। अब अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे पे रहने देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो लॉन्ग टर्म पे रहने देंगे। मैं एक स्टॉक ही यहाँ पे खरीद के आपको दिखाना चाहूँगा, इंट्राडे पे रहने देता हूँ और इसको मार्केट पे क्लिक करके मैं बाई तुरंत कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्वांटिटी जो है यहाँ पे IRFC की बाई कर ली है। ये हम पोजिशन में जाके देख सकते हैं, ये हमको ऑर्डर पे अपने जाके देखेंगे तो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने मार्केट पे ही खरीदा था। तो एवरेज जो प्राइस हमको पड़ा है वो 159.95 रुपये पड़े हैं हमको। ठीक है, यानी आप करीबन करीबन कह सकते हैं 160 रुपये में हमको ये IRFC का जो 1 क्वांटिटी का शेयर इंट्राडे में हमने बाई किया है वो पड़ा है। ठीक है,
और अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 लगभग 60 रुपये मान लीजिए, अब 160 रुपये में इसको बाई कर लिया है। ठीक है, अब मैंने लगभग इसको 160 रुपये में बाई किया है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा 5 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रहे। ठीक है, 5 रुपया नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसी अपने IRFC शेयर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एग्जिट पे क्लिक करके मैं क्वांटिटी जितनी भी है उतनी डाल सकता हूँ। यहाँ पे इंट्राडे में बाय किया है तो इंट्राडे पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद देखिए जो टाइप वाला ऑप्शन है उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे लाफ्ट के, एक SL का, एक SLM का। ठीक है, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस के साथ हमको प्राइस भी डालना होता है और ट्रिगर प्राइस भी डालना होता है, लेकिन SLM में क्या होता है, हमको सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालना होता है, वो एक से ही हमारा काम हो जाता है, स्टॉप लॉस हमारा लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SLM का यूज़ करूँगा। SLM पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस आ गया, देख सकते हैं आप सभी लोग, सिर्फ यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आया हुआ है। तो इस ट्रिगर प्राइस में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने 160 रुपये में ख़रीदा था इसको, तो मैं यहाँ पे 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो 5 रुपये यहाँ पे नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यानी 155 पे मैं यहाँ पे अपना ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ। जैसे ही मार्केट हमारा गिरते गिरते 155 पे आएगा, यानी हमारे हिसाब के विपरीत जाएगा मार्केट, तो वैसे ही 155 पे सेल हो जाएगा। बस हमने यहाँ पे अपना ये प्राइस लगा दिया 155 रुपये, बस हमको स्वाइप टू सेल कर देना है और ये हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको मैनुअल क्यों कहा, Zerodha में कोई डेडिकेटेड फीचर नहीं दिया गया है। जब आप एंजल वन में जाएंगे, कोई भी स्टॉक को सेल करने जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक डेडिकेटेड ऑप्शन रहेगा। जैसा कि आपको मैंने दिखाया, इसको सेल करते टाइम आपने देखा चार ऑप्शन आपको आ रहे हैं, मार्केट, लिमिट, SL SLM। यहीं पे आपको एंजल वन के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस TS का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है, लेकिन Zerodha के अंदर ये फीचर नहीं है, तो हम इसको मैनुअली कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 55 रुपये पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 155 रुपये पे। अब देखिए हमको बस मार्केट पे अपने लगातार वॉच करते रहना है, मार्केट पे ध्यान देते रहना है। अब जैसे ही 160 रुपये वाला IRFC अगर हमारे हिसाब से बढ़ता है और जैसे आपको 2 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये 162 रुपया जैसे ही गया, ये 162 रुपया ये जैसे ही गया, आपको क्या करना है, आपके ऑर्डर में जाना है और इस IRFC के जो आपने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टॉप लॉस का जो आपने लगाया है ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा मॉडिफाई का, तो इस मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अब देखिए जो 155 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाया था, इसको 2 रुपये और ऊपर कर लेना है, क्योंकि आपका मार्केट जो है 2 रुपये ऊपर जा चुका है, तो आप यहाँ पे 257 कर लीजिए, 55 257, या फिर जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे कर सकते हैं, उतना प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसको मॉडिफाई पे करके आप लोग अपने स्टॉप लॉस को देखिए यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तरह से स्टॉप लॉस को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो वो ट्रेल हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। ठीक है, तो एक तरह से अब ये मार्केट हमारा 160 से 162 पे चला गया है, तो हमको 2 रुपये का यहाँ पे अब हम 2 रुपये का रिस्क हमारा कम हो गया। इसी तरह से जब ये 63 64 पे चला जाए तो फिर से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लीजिए। इस तरह से अगर मार्केट आपके विपरीत जाता है तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। Zerodha में अभी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का यही एक जरिया है, आप मैनुअली इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका फीचर डेडिकेटेड फीचर नहीं आया है, जब डेडिकेटेड फीचर आएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि Zerodha में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए वीडियो बनाया है मैंने। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।